हेलो स्टूडेंट्स, अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग के लिए इंटरेस्टेड है और जिन्होंने जेई दिया हुआ है, तो डेफिनेटली वो आगे जाके अपनी काउंसलिंग कराएंगे। जोसा और सीसैप दो आपकी सबसे बड़ी नेशनल लेवल की काउंसलिंग है, जिसमें आपको एनआईटीज, आईआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआई और सीएफटीआई, जो भी आपके सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, ट्रिपल आईटीज हैं, ये सारे कॉलेजेस आपको जोसा और सीसैप में से मेजर कॉलेजेस मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें आप सेपरेट काउंसलिंग के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। बट फिलहाल इस वीडियो में क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, इस वीडियो में आपको लिस्ट जो आपकी रैंक है कि लास्ट तक कितने रैंक तक एडमिशन हो सकता है, वो आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जो भी आपको अलग से पीडीएफ दिखाया जाता है, कहीं भी आप लाइक बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलते होंगे, पीडीएफ बना के डेटा दिखाया जाता है कि फला एनआईटी में इतनी रैंक तक एडमिशन हो रहा है, तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना। लाइक जो भी ये डेटा आता है वो डेटा सारा ऑफिशियल पोर्टल से ही लिया जा रहा है। देखिए कई सारे बहुत तरीके का डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल है। आज के टाइम पे आप बहुत सारे प्राइवेट वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं जो अपना खुद का डेटा दे देते हैं, ठीक है। लेकिन जो ऑफिशियल अगर हम जोसा और सीसैप के डेटा की बात करें, तो उसमें अभी मैं 21 का आपको पूरा कट ऑफ दिखाने वाला हूं। अभी आपको जो स्क्रीन शो हो रहा है, सीएसएबी का ऑफिशियल पोर्टल है। जोसा की काउंसलिंग के बाद जो लास्ट के दो राउंड रहते हैं उनमें लास्ट काउंसलिंग होती है एक तरीके से, अगर आप मेन काउंसलिंग की बात करोगे। हाँ, इसके अलावा आप सेपरेट और दूसरे काउंसलिंग्स में अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपके अलग अलग स्टेट लेवल काउंसलिंग होते हैं, आपका यूपी में अलग होता है, महाराष्ट्र में आपका एमएससीटी होता है, यूपी में जो जेई का लाइक ऑप्शन रहेगा, जो यूपी से आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जेई वाले जेई के स्कोर कार्ड से ही आप उस काउंसलिंग को आगे आप कंटिन्यू कर पाएंगे। वो वाले भी वीडियोस आपको, स्टेट लेवल काउंसलिंग के सारे वीडियोस आपको चैनल पर लगातार मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आगे के जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको आने वाले हैं वो आपको जल्दी से मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सीएसएबी का ऑफिशियल पोर्टल है, जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड 2021, यहाँ पर एनआईटीज, आईआईएसटी, ट्रिपल आईटीज एंड अदर जीएफटीआई फॉर एकेडमिक ईयर 2021-22, 21 से 22 के जो इतने भी जो भी कॉलेजेस हैं, एनआईटीज हो गए, ट्रिपल आईटीज हैं और जो आपके आईआईएसटीज हैं, ये सारे इनका काउंसलिंग का जो भी पूरा प्रोसेस होता है वो इसी पोर्टल पे, इसी सॉफ्टवेयर पे होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कॉर्नर पे आपको एक जो काउंसलिंग सर्विसेज करके लिख के आ रहा होगा, ई काउंसलिंग सर्विसेज सिंप्लीफाइंग द एडमिशन प्रोसेस। तो ये ई काउंसलिंग सर्विसेज जो आपका अपनी है, ये इनका सॉफ्टवेयर है ई काउंसलिंग सर्विसेज, ये सारे काउंसलिंग्स में लगभग यूज किया जाता है। जो भी आपके अदर काउंसलिंग्स होते हैं उनका भी पूरा प्रोसेस, लगभग प्रोसेस दूसरा हो सकता है लेकिन सॉफ्टवेयर सेम होगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपके नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए आपका सेकंड राउंड जो आपका है, स्पेशल राउंड टू का हम कट ऑफ देखने वाले हैं आज। और स्पेशल राउंड टू में आप कॉलेज कोई भी हम कॉलेज सेलेक्ट कर लेंगे, कॉलेज आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको कॉलेज यहाँ पर सिलेक्ट करना हो। जैसे आपका ऑल, अगर ऑल सिलेक्ट करेंगे तो ऑल में आपका सारे जितने भी कॉलेजेस हैं, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जो भी कॉलेज आपका जोसा और सीसैप में, स्पेशली सीएसएबी में पार्टिसिपेट करता है, वो सारे कट ऑफ्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको सिर्फ ट्रिपल आईटीज का देखना है तो आपको ट्रिपल आईटीज का मिलेगा, अगर आपको जीएफटीआईज का देखना है तो आपको जीएफटीआईज का कट ऑफ मिलेगा, अगर एनआईटीज का देखना है तो आपको एनआईटीज के कट ऑफ अलग से मिलेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एनआईटीज सेलेक्ट करते हैं इंस्टीट्यूट टाइप में। उसके बाद हमें सबसे पहले यहाँ पर देखना है, फॉर सपोज हम मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद वाले कॉलेज का अगर हम कट ऑफ देखना चाहते हैं, तो आपको हम यहाँ पे एमएनआईटी हमने इलाहाबाद ले लिया, और उसके बाद उसके में सीएस की कट ऑफ देखनी है। ब्रांच ऑप्शन आपके सारे यहीं पे ओपन हो जाएंगे, कोई भी हिडन नहीं, सारे ब्रांच ऑप्शन आपको यहीं पे दिखेंगे। जैसे कि लिस्ट अगर हम ब्रांच की बात करें, तो लिस्ट वाला ब्रांच यहाँ पे प्रोडक्शन हमें दिख रहा है, ये वाला आप देख रहे होंगे, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो ये आपका 4 ईयर प्रोग्राम ही है जो प्रोडक्शन ब्रांच है। लगभग हम मान सकते हैं कि इसमें जो कट ऑफ जाएगी वो लास्ट में रहेगी, मतलब सबसे ज्यादा कट ऑफ जो जाने वाली होगी लगभग आपकी प्रोडक्शन की जाएगी, क्योंकि दूसरी ब्रांचेस जो बाकी सारी ब्रांचेस हैं वो कोर ब्रांचेस हैं, कंप्यूटर साइंस है और दूसरी ब्रांचेस। तो यहाँ पर आप अभी फिलहाल हम सबसे पहले सीएस का चेक कर लेते हैं, कंप्यूटर साइंस का क्या कट ऑफ रहा है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पूरा आपको सबमिट करते ही सारे कुछ डिटेल है, जो आपके ऑप्शंस हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। जो आपको एचएस का मतलब है होम स्टेट, ओएस का मतलब है अदर स्टेट, छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। होम स्टेट जेंडर आपका न्यूट्रल यहाँ पे लिया गया है, कर दिया गया है, कॉमन जेंडर पे आपकी काउंसलिंग है, जहां पर आपको होम स्टेट अदर स्टेट, अगर आप होम स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आपकी ओपनिंग करेंगे 4761 आपकी सीएसएबी सेकंड राउंड की कंप्यूटर साइंस ब्रांच की होम स्टेट की कट ऑफ है। अगर आप यूपी से ही हैं और आपकी 4761 से लेके आपका यहाँ पर सिंगल सीट का ही एक है, जहां पर आपको सिंगल एक सीट ऑप्शन अवेलेबल हो रहा है। जब जब आपको सेम कहीं ना कहीं सेम रैंक मिलेगी तो इसका मतलब है कि वहां पर एक ही सीट आपको अलॉटमेंट हुई है, जो भी उस कैटेगरी में पर्टिकुलर होम स्टेट में आपको एक सीट अलॉट हुई है होम स्टेट कैटेगरी में, जेंडर न्यूट्रल पे, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, उसमें न्यूट्रल का जेंडर का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। 4761 वाली जो रैंक थी उसको, उस बच्चे को अलॉटमेंट यहाँ पर कंप्यूटर साइंस ब्रांच में अलॉट हुआ है एमएनआईटी इलाहाबाद। इसी तरीके से अगर हम ओबीसी एनसीएल की बात करें, तो ओबीसी एनसीएल में होम स्टेट, जो बच्चा उत्तर प्रदेश से ही है जिसका डोमिसाइल यूपी का है, उसका ओबीसी एनसीएल में जो 8224
ये आपको दूसरी सीट सीएसएबी के लास्ट राउंड में अलॉटमेंट हुई है। इसके बाद कंप्यूटर साइंस में कोई और अलॉटमेंट या कोई सीट वैकेंट नहीं होगी, क्योंकि सीएसएबी के बाद कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जहां पर आप एनआईटी इलाहाबाद में एडमिशन आप ले पाओ। नेक्स्ट आप देखेंगे अदर स्टेट की जो कट ऑफ है, अदर 3663 से लेके 3100 तक जो भी आपके रैंक्स जो भी सीट्स होंगे वो 3100 ब्रांच तक फिल हुए होंगे। तो यहाँ पर ये आपका कट ऑफ रहा है, लगभग 3000 से लेके 3100 के अराउंड आपका अदर स्टेट में कट ऑफ आपका कंप्यूटर साइंस का सीएसएबी का लास्ट राउंड का कट ऑफ रहा है। इसके बाद अदर स्टेट में अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी में आपका 3608 से लेके 5802 के बीच में जो जो स्टूडेंट्स आए होंगे, जितनी भी यहाँ पे सीट वैकेंट रही होंगी वो यहाँ पे फिल किए गए। उसमें रैंक जो वेरी करेगा वो ओपनिंग रैंक आपकी 3608 है, उसके बाद 5802 पे क्लोज हो गया, उसके बाद कोई अलॉटमेंट नहीं मिली है। तो ये आपकी मैक्सिमम अलॉटमेंट है एनआईटी इलाहाबाद में। इसी तरीके से अलग अलग कॉलेजेस के बारे में, अलग अलग कॉलेजेस की हम कट ऑफ को थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, आपको बताएंगे कि आप कैसे अपनी एक बेहतर काउंसलिंग कर सकते हैं। इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें। कोई और भी कॉलेजेस के बारे में आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप कोई भी कॉलेज चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अपना आप कॉलेज ऑप्शन चेंज करेंगे और कॉलेज ऑप्शन चेंज करने के बाद आप यहाँ से कट ऑफ चेक कर लेंगे। ये आपकी ऑफिशियल कट ऑफ है। जो कॉलेजेस की काउंसलिंग अलग से होती है, जैसे आपका HBTU की काउंसलिंग अलग से होती है, और कई सारे कॉलेजेस हैं जिनकी काउंसलिंग सेल्फ से भी होती है, या उनकी सीट अगर जूसा सीसेल्फ से नहीं फुल हो पाती है, बच जाती है, वैकेंट सीट आती है, तो लास्ट में जाके वो अपना भी सेल्फ से फॉर्म एप्लीकेशन वगैरह निकालते हैं। उन कॉलेजेस के बारे में आपको अलग से डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसी के साथ जो भी आपके डाउट्स या क्वेरीज हैं उनको कमेंट करिए। आगे आपको वीडियोज मिलेंगे, इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सो दैट आप अच्छे तरीके से काउंसलिंग कर पाएं। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।